हेलो एवरी वन आई एम सावेरी एंड आई एम योर मेंटर फॉर यू जी सी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम एज यू ऑल मस्ट नो आपकी नोटिफिकेशन आ गई है एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी हैविंग थ्री वीक्स फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज द एग्जाम इज इन सेप्टेंबर तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी uh, एक रिविजन को सप्लीमेंट करने के लिए और आपको एक फटाफट से एक टेम्परमेंट डेवलप करने के लिए एमसीक्यू एग्जाम के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट की एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें हर वीडियो में वी विल डिस्कस एटलीस्ट फाइव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट पे और ये क्वेश्चन वो होंगे जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं या फिर उनके कॉन्सेप्ट बार बार पूछे गए हैं सो so, वाइल्ड डूइंग दीज क्वेश्चन हम उसके आगे पीछे के भी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे ताकि आपका पूरा वो चंक जो है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो कम्प्लीट हो जाए सो दैट यू आर एबल टू ग्रास्प ऑल द कॉन्सेप्ट इन जस्ट थ्री वीक्स सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू ने मिस एनी अपडेट स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन

A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false. A is false, but R is true. So, start answering this question for your own understanding. And I will give you an ex explanation in a little while. So, I hope you must have answered the question. So, the right answer is C A is true, but R is false. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू शुड नो कि एन गुड का मतलब क्या होता है गिफ गुड आपका एक इनफीरियर गुड है एक इनफीरियर गुड है या फिर एक नॉन लग्जरी आइटम है जो कि आपके लॉ ऑफ डिमांड को ओबे नहीं करती इसका मतलब क्या है वेन योर प्राइस विल इंक्रीज, द क्वानिटी डिफाइंडेड फॉर अ गिफ गुड विल ऑल्सो इनक्रीज सो दिस ब्रेक्स योर लॉ ऑफ डिमांड तो आगे पीछे के कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं इसके फर्स्ट इज ये मार्शल थ्योरी मार्शल थ्योरी में आपको पता है यूटिलिटी जो होती है वो कार्डिनल होती है कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यूटिलिटी आपको पता है कि आपको तीन एप्पल से पांच की यूटिलिटी मिलेगी और दो बनाना खाने से छह की यूटिलिटी मिलेगी सो यू वुड बी कंज्यूमिंग मोर ऑफ बनाना क्योंकि उससे आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यूटिलिटी पता है नेक्स्ट इज योर हिक्सियन थ्योरी हिक्सियन थ्योरी कहता है कि ऐसा नहीं है एक्चुअली आपकी यूटिलिटीज ऑर्डिनल है ऑर्डिनल का मतलब सिर्फ आपको ऑर्डर पता है उस यूटिलिटी का इसका मतलब है एप्पल्स की ज्यादा यूटिलिटी है या बनानास की ये सिर्फ इसका सिर्फ आपको ऑर्डर पता है सो दिस वॉज योर हिक्सियन थ्योरी देन कम्स योर रिफील्ड प्रेफरेंस थ्योरी विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय पॉल पॉल्सन तो पॉल पॉल्सन एक्चुअली इन दोनों थ्योरीज पे मार्शेलियन और रिक्सियन थ्योरी का एक एडवांस वर्जन है जो कि कहता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले से ही पता होगा कि क्या क्या आप किस सिचुएशन में क्या करने वाले हो यू एक्चुअली टेक योर बिहेवरल साइंसिस इन टू कंसिडरेशन और जो एक्चुअल बिहेवियर है इन द मार्केट डिपेंड्स ऑन योर वेरियस प्राइस एंड इनकम सिचुएशन तो ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से इसका मतलब है कि जब भी आप कुछ भी कंज्यूम करने जाते हो तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछते हो हर बार हर प्राइस और इनकम सिचुएशन में कि वेदर यू वॉन्ट टू कंज्यूम दिस और सम अदर गुड सो दिस इज मोर क्लोजर टू रियालिटी आपको पहले से ही नहीं पता होता कि आपका क्या ऑर्डर है या क्या वैल्यू है ऑल सैम्यूसन इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड अ वेरी रियलिस्टिक आइडिया बट इसकी प्रॉब्लम है इस थ्योरी की कि ये कभी भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट नहीं कंसिडर करता है और जो आपके गिफिन गुड्स हैं उसके अंदर नेगेटिव इनकम इफेक्ट ही होता है विच इज ग्रेटर देन योर सब्स ट्यूशन इफेक्ट सो दिस वॉज द फ्लॉ ऑफ योर सैम्यूल्सन थ्योरी कि इनकम नेगेटिव होगी तो वो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था सो so, आपका गिफ गुड्स को ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट इज वाई योर रीजनिंग इज फॉल्स कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसिडर्स ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस इज अ रॉन्ग रीजनिंग बट द ए पार्ट द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ गिफन गुड्स दैट इज वेरी करेक्ट क्योंकि वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ही नहीं ले पाया तो वो कैसे ही गिफन गुड्स को एक्सप्लेन करेगा सो योर सी पार्ट इज करेक्ट let's discuss the next question in short run which of the following cost must continuously decrease as the output increases total variable cost total fixed cost average variable cost or average fixed cost so please answer the uh, question in the, the comment section please so d part is your correct answer average fixed cost सो so, इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कॉस्ट के और वो मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ सो द ब्लू करव इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट द रेड कर्व इज योर टोटल फिक्सड कॉस्ट एंड दिस ग्रीन कर्व इज योर टोटल कॉस्ट सो ये तीन कर्व है इनको एक एक बारी डिस्कस कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपने अपना कॉस्ट लिया हुआ है सो so, आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो चेंज नहीं होगी अलग अलग लेवल ऑफ कॉस्ट पे क्योंकि वो एक बार आपको इन्वेस्ट करनी है और वो वही रहेगी अगर आपको कोई प्लांट लगाना है तो जो लैंड की कॉस्ट है कैपिटल की कॉस्ट है वो वन टाइम कॉस्ट है और वो देनी है आपको दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली वेरी करती है आपके आउटपुट के साथ इट इनक्रीज एंड रीच अ अस्ट पॉइंट एंड देन कीप्स ऑन इक्रीजेज इवन फर्दर और टोटल कॉस्ट देता है दैट्स वाई इसका इंटरसेप्ट ऑरिजिन से नहीं स्टार्ट होता टोटल कॉस्ट का क्योंकि एक टोटल फिक्सड कॉस्ट इसमें हमेशा ही ज्वाइंट होती है दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट लेकिन क्वेश्चन में हमें एवरेजिज पता होने चाहिए किसी भी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए जो क्वांटिटी होती है हम उससे डिवाइड करते हैं तो उसके भी ग्राफ देख लेते हैं सो so, जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली फॉल होती रहती है वट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट इट इज योर टोटल फिक्सड कॉस्ट डिवाइडेड बाई ए क्वांटिटी सो जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे वो फॉल होती जाएगी ये एक रैशनल नंबर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता होगी आपकी एक मिलियन की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और हर क्वांटिटी पे डिनोमिनेटर जैसे बढ़ता जाएगा दिस क्यू विल बी इंक्रीजिंग और ये कांस्टेंट रहेगा तो आपका ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन uh, है दैट विल फॉल सो योर एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी डिक्रीजिंग आउट एंड आउट थ्रू आउट योर कर्व तो नेक्स्ट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या पता क्वेश्चन आपसे एवरेज फिक्स कॉस्ट की जगह नेक्स्ट टाइम आपसे वेरिएबल कॉस्ट पे पूछ ले सो योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर क्वांटिटी सो ये जो है ये पहले तो डिक्रीज करती है कॉस्ट का डिक्रीज होना मतलब प्रोड्यूसर के लिए अच्छा वो क्यों हो रहा है क्योंकि आपके इनिशियली जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं कि आप जितना जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करते जा रहे हो आपको उसका फायदा होता जाएगा क्योंकि आपकी कैपिटल है वो उसी हिसाब से एक्सप्लॉयट होनी शुरू हो जाएगी सो देर इज इंक्रीजिंग रिटर्न इन द स्टार्टिंग तभी आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इस ग्राफ में से देखो कि पहले फॉल करती है एक पॉइंट तक ये एक पॉइंट आने के बाद लेट से एक्स एक्स पॉइंट आने के बाद आपके जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं वो ओवर पावर कर जाते हैं इतनी ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड कर लो अपने एनालिसिस में अपने इकोनॉमिक वेंचर में कि आपको उसकी जरूरत ही ना हो तो आपको बिना बात के आप क्वांटिटी इंक्रीज किए जा रहे हैं उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी बिकॉज नाउ यू हैव अ डिमिनिशिंग रिटर्न सो नाउ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल एक्चुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग सो यू गेट अ यू शेप्ड कर्व तो so, ये जो यूशिफ्ट कर्व है दैट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो ये भी थ्रू आउट डिमिनिश नहीं कर रही है ओनली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द वन जो पूरे एनालिसिस में आगे तक डिमिनिश होती रहेगी सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अ फॉर्म इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एडवर्टाइजिस इन ऑर्डर टू एक जो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म होता है वो एडवर्टाइज क्यों करेगा दिस इज द क्वेश्चन Part A is make its uh, product more similar to the competitors, shift the demand curve for its products to the left, make the demand for its product less no, price less price elastic. Fourth is reduce the industry's price. So please answer the question in the comment section, and the correct answer is part C. डिस्कस so, कर लेते हैं सो अंडर योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इंडिविजुअल फॉर्म इज आइसोलेटेड टू अटन डिग्री फ्रॉम दो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में

तो दो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं, दे आर नॉट होमोजनस वो कुछ डिग्री तक एक दूसरे के सब्सिट्यूट हैं तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन से ऐसे भी अलग है ऑल्सो एडवर्टाइजिंग आउटलेट मेक्स इट तो आप एडवरटाइजिंग से क्या करते हो एक अपने मार्केट को यू मेक इट लेस प्राइस इलास्टिक लेस प्राइस इलास्टिसिटी से मतलब है कि आप उसको इन इलास्टिक बना रहे हो इन इलास्टिक होने से क्या होगा आपकी जो डिमांड है आपके गुड्स को छोड़ के कोई और किसी और चीज को कंज्यूम नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल आप ये कंसिडर कर रहे हो कि अगर परफेक्टली इलास्टिक होती डिमांड फॉर एग्जाम्पल इन योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहां पे आपका जो ग्राफ है दैट फॉर द डिमांड कर आप बिल्कुल एक फ्लैट कर लेते हो सो दैट इज नॉट अ केस इन योर मोनोप्लिस्टिक वर्ल्ड मोनोपलिस्टिक डेरिवेशन में आपका जो डी डी है डिमांड दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सो एडवर्टाइजमेंट से आप यू मेक इट मोर इन इलास्टिक तो आपका पार्ट सी इसीलिए ठीक है बिकॉज एडवरटाइजमेंट से मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिटर का यही एम रहता है कि आप को छोड़ के आप किसी और उस गुड्स को कंज्यूम नहीं करो आप किसी और के गुड्स को कंज्यूम नहीं करो तो एक बार फिर, आ, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ भी देख लेते हैं यू हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर विच इज एसेंशियली योर एवरेज रिवेन्यू कर एआर आर कर और आपका एमआर आर कर और जो आपका शॉर्ट रन एम है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वहां जब ए, इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे यू सेट योर क्वांटिटी Or point ke or demand curve say you set the prices, and this whole area gives you your profit. So this is your monopolistic co uh, competition. Next question is for the function of q is equal to a into k raised to power a lb, which is your Cobb Douglas function, which of the following is correct? First part A is the degree of homogeneity is 1.

एक्सपोनेंट है उसके बराबर होती है सो सी पार्ट इज करेक्ट सो सी पार्ट क्यों करेक्ट है हम फीचर्स ही डिस्कस कर लेते हैं डगलस फंक्शन के सो फर्स्ट इज योर इलास्टिसिटी इज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट इन रिस्पॉन्डस टू द चेंज इन द लेवल ऑफ आइदर लेबर और कैपिटल तो ये इसी वाले फर्स्ट uh, पार्ट से ही आपको ये पता चल गया कि आपके जो अगर आप ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हो आउटपुट इलास्टिसिटी वाला यू विल गेट अल्फा फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉपडग्लस का इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं इसकी अभी तो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया हुआ है ये इसकी और प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं और हर प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन बन जाता है सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट हैज बीन यूज वाइडली इन द इम्पेरिकल स्टडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द इंटर इंडस्ट्री कंपेरिजन सो प्लीज लुक एट द एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेशन है डगलस एक्सप्रेशन uh, इसमें आपको के और एल मल्टीप्लीकेशन में कैपिटल तो और लेबर दोनों की आपको जरूरत है अगर एक भी फैक्टर जीरो होगा सपोजिटली के इज इक्वल टू जीरो तो आपकी जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी प्रोड्यूस वो भी जीरो हो जाएगी तो आपको दोनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ये दिस इज वेरी मच क्लोजर टू योर रियलिटी आप दोनों ही चीज़ों को यूज करके अपना कोई भी प्रोडक्शन करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दीज फॉर्म्स सो वाई जो आपका कैपिटल और लेबर पे डिपेंडेंट है y is your output and that is dependent on your both capital and labor so this is your equation for your substitution just can you are actually calculating the degree of substitution with respect to your ratio of k by l so this is also one of the property of your uh, cobb douglas function and this comes out to be y तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी तो जो हमारा बी पार्ट था इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन इज इक्वल टू एल्फा पर बीटा ये गलत है वन होती है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटूशन और एक और फंक्शन uh, इसने बताया था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी इज वन सो डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी वन नहीं है वन होती अगर ए प्लस बी एल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू वन होता तो हमारा होमोजिनाइटी वन होती बट दैट इज नम यूलर थ्यूरम कहता है कि अगर हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उतना ही पैसे पे किए जाए जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेजेस एंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आप इज इक्वल टू कर दीजिए आपके ले, लेबर वाले के तो लेबर को आप क्या देते हैं वेजेस तो अगर ऐसा होता है देन योर यूलर्स थ्योरम विल होल्ड और आपकी पूरी की पूरी जो आउटपुट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी दिस इज योर यूलर्स थ्योरम और कॉबडगलस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नेक्स्ट पॉइंट इज योर द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लीनियर होमोजिनस ऑफ डिग्री वन विच शोज दैट द कॉन्स्टेंट रिटर्न इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा ये हम डिस्कस्ड uh, कर चुके हैं कि होमोजेनाइटी होती है अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन हो अगर ये लेस देन वन होता है अल्फा प्लस बीटा सो वी हैव अ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड इफ इट इज ग्रेटर देन वन देन वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया तीनों कंडीशन इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न और इक्वालिटी ऑफ वन सो वी नो दिस let's discuss the last question question number 5 quasi rent is a reward to the factor of production which is options are economic rent in the short run but the transfer earning in the long run b part is transfer earning in the short run c part is transfer earning both in short run and long run economic rent both in short run and long run so the correct answer is part a इकोनॉमिक रेंट इन शॉर्ट रन बट द ट्रांसफर पेमेंट इन लॉन्ग रन तो इस पूरे को रेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद कॉजी रेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा सो फर्स्टली यू नीड टू नो रेंट कहाँ से आया सो so रेंट हमें दिया रिकार्डिंग इन ने वो कहता है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे एक रेंट अर्न करते हैं आज तक हमने यही डिस्कस किया है कि आप जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं प्रोड्यूस होता है उसको जब सेल करने जाते हैं उससे आपको कुछ कुछ रिटर्न में मिलता है एंड दैट इज योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे अर्न किया हुआ प्रॉफिट लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आप खुद पे कैपिटल पे लेबर पे कुछ रेंट गेन करें बजाय के प्रोड्यूस करने के बाद क्वांटिटी सेल करने से पहले ही कुछ रेंट गेन करते हैं अगर कुछ इकोनॉमिक सरप्लस गेन करते हैं दैट इज योर रेंट सो so, ये जो रिकार्डियन रेंट था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन सम पिकुलैरिटी ऑफ योर सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेट्स से कि आप लैंड ले रहे हो अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो लैंड क्या हो सकता है फर्टाइल हो सकता है या बैड लैंड हो सकता है तो आप रेंट अर्न करोगे ऑन योर फर्टाइल लैंड ओनली तो कॉजी रेंट क्या है कॉज का मतलब होता है कि मे बी स्यूडो कि आधा अधूरा तो कॉजाए रेंट का मतलब क्या आधा अधूरा रेंट आप कब अर्न करते हो आधा दूरा रेंट आप कब अर्न करते हो जब थोड़े टाइम के लिए अगर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रेंट गेन करने लग जाए मतलब कि उसमें कुछ पिक्यूलरिटी आ जाए जैसे कि फर्टाइल लैंड की तरह वो बिहेव करने लग जाए तब यू अर्न कॉजाय रेंट तो कॉजाए रेंट आप कब अर्न कर रहे हो शॉर्ट रन में तो वेन यू आर अर्निंग रेंट इन शॉर्ट रन तब तो आपको रेंट मिलेगा पर लॉन्ग रन में आप सिर्फ ट्रांसफर अर्निंग्स ही अर्न करते हो आपकी ट्रांसफर अर्निंग्स क्या होती है मिनिमम पेमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रेजेंट यूज सो दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट विच यू अर्न इन लॉन्ग रन सो द करेक्ट आंसर बिकम ए जिसमें आप कह रहे हो इकोनॉमिक रेंट इन शॉर्ट रन और ट्रांसफर पेमेंट इन लॉन्ग रन सो दिस इज योर कॉज आए रेंट का एकदम बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन यही होती है कि ये ही कंडीशन होल्ड करें रेंट भी पढ़ लिया अब हमें उससे ये भी समझ में आ गया कि कॉज आए रेंट क्या होता है और हमने किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारा तो थैंक यू ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी ऑन योर ट्यूजडे एंड वी विल टेक दीज वीडियोज एवरी ऑल्टरनेटिव डेज आप अपनी क्वारीज जो भी है आप मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है दैट इज समथिंग यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रेपरेशन ताकि आप तीन वीक्स में भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं तो प्लीज लेट मी नो कि आपको और कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रिपेयरिंग